हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में होंगे और बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल रहे होंगे, और बाहर बिल्कुल निकलना भी नहीं है, हमें घर पे रह के ही सेफ़ रहना है। तो आज के वीडियो का टाइटल देख के आपको पता लग गया होगा कि मैं बनाने जा रही हूँ DIY ट्रे। तो आप जो देख रहे हैं अभी वाइट और ब्लू कलर की, वो एक ट्रे है जो मैंने DIY की है, और एक ट्रे है ये वाली, ये थोड़ी साइज़ में बड़ी है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ये कैसे बनाया है। बड़ी वाली ट्रे बनाने के लिए मैंने लिया है मिठाई का बॉक्स, जो हमारे घरों में सबके घरों में मिल ही जाते हैं, तो वो हमें बॉक्स लेना है। तो इसको बनाने के लिए मैंने जो बॉक्स है उसका ढक्कन और जो नीचे का बॉक्स रहता है, दोनों मैंने लिया है, साथ में एक साथ लगा दिया है, और इसके चारों तरफ से मैं जूट टोप लगा रही हूँ। मैंने लिया है POP और उसका पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट बनाने के लिए बस मैं यहाँ पे POP में पानी डाल के और पेस्ट इसका अच्छा सा स्मूथ बना लेना है हमें, और ध्यान रहे कि ज़्यादा टाइट मत करना है, नहीं तो वो एकदम से ही बहुत जल्दी इसका पेस्ट ड्राई होने लगता है। तो ट्रे ऐसे बनाने के लिए जो पेस्ट है वो किसी प्लास्टिक के ऐसे कंटेनर जो होते हैं वेस्ट, या फिर जैसे मिठाई के डब्बा भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आप डाल दें जो कि ट्रे की शेप में हो। और दो मैंने यहाँ पे ये रस्सी के जो टुकड़े आप देख सकते हो ये लिए हैं, ये मैं इनसे इसका ट्रे का हैंडल बनाऊंगी दोनों साइड पकड़ने का। और एक मानविका ये एरो लिया है जिससे कि ये रस्सी जो है नीचे नहीं गिरे और ऐसे ही मतलब अपनी अच्छे से शेप पे रहे, और बस इनको अच्छे से सेट कर देना है। तो मैंने इसको एक पूरे दिन के लिए सूखने के लिए रख दिया था, और येलो कलर का जो आप देख रहे हो ये मैंने कंटेनर में तेल लगाया था जो कि ऊपर आ गया है। और अब हम
इस कंटेनर से इस ट्रे को निकाल लेते हैं और अच्छे से सूख गई है। आप कोशिश करें कि एक पूरा दिन 24 घंटे से ज़्यादा ही आप इसको रखें, तभी ये अच्छे से सूखेगी। और जब ये थोड़ा अगर गीला रहता है तो आप इसको कंटेनर में से निकाल के भी आप इसको सूखने के लिए रख सकते हैं। और अब सैंड पेपर की हेल्प से इसकी एजेस को मैं स्मूथ कर लूँगी, जहाँ से भी आपको अनइवन लगे वहाँ पे आप इसको स्मूथ कर सकते हैं। तो चलिए अब इस ट्रे को डेकोरेट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है वाइट एक्रेलिक पेंट। पहले मैं इस पर एक्रेलिक कलर करूँगी, उसके बाद में इस पर कुछ डिज़ाइन बनाऊँगी या पेंटिंग जो भी है वो बनाऊँगी। और आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको आता है पेंटिंग डिज़ाइन, जैसा भी आप कलर कर सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं। बनके रेडी है। आप इसको डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हो, होम डेकोर में, और कहीं पे भी रख सकते हो तो भी ये बहुत अच्छी लगेगी। या फिर आप सर्विंग में भी यूज़ कर सकते हो, किसी चीज़ को आपको सर्व करना हो, कप्स रखने हो, मग रखने हो तो आप रख सकते हो। तो आप लोगों को ये वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ में। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।